नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का CBTRA की एक और न्यू वीडियो के अंदर। तो गाइस आज इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग IPL की दो ऐसी टीमों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि दोनों के दोनों इस साल IPL जीतने की काफी ज्यादा हमें दावेदार देखने को मिल रही है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ, पहले तो आती है सबसे सफल टीम IPL की मुंबई इंडियंस के बारे में, जिसने 5 बार IPL जीते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हमें देखने को मिलती है यार हमें बिल्कुल नई नवेली टीम लखनऊ सुपर जायंट्स, जिसे आयु सिर्फ 2 साल हुए लेकिन दोनों सालों के अंदर यार प्ले ऑफ तक क्वालिफाई करी थी। तो यहाँ पर हम देखें तो दोनों ही बहुत ही बेहतरीन टीम होने वाली हमारी इस वाले IPL के अंदर। और आज के वीडियो में दोनों टीम के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे, दोनों टीम को कंपेयर करेंगे, देखेंगे दोनों टीम में से कौन सी टीम बेटर है और इस वाले सीजन के अंदर कौन सी टीम IPL जीतने की ज्यादा हकदार है। तो बिना टाइम गवाए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोनों टीम के हिस्ट्री के बारे में कि दोनों टीम का इतिहास कैसा रहा है IPL के अंदर। पहले बात करें मुंबई इंडियन के बारे में, तो मुंबई इंडियन की टीम रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर काफी बढ़िया रही है और इसने काफी सफल रही है। 5 बार IPL जीते हैं, जहां पर पहला IPL जिन्होंने जीता था 2013 के अंदर, फिर 2015, 2017, 2019 और 2020 के अंदर यानी इन्होंने टोटल 5 IPL जीते हैं अपने पूरे IPL की जितनी भी सीरीज हुई है। यहाँ पर हम देखें तो काफी सफल टीम रही है, काफी बेहतरीन हमें टीम देखने मिली है। वहीं बात करें कप्तानी के रूप में, तो यार हमारे रोहित शर्मा की कप्तानी काफी बढ़ी थी इस वाली टीम के लिए, प्लस इस वाली टीम के अंदर काफी तगड़े तगड़े हमें खिलाड़ी देखने मिले। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर भी इस वाली टीम की तरफ से खेलते थे, फिलहाल के लिए उन्होंने क्रिकेट छोड़ दिया, लेकिन जहाँ जब पहले खेलते थे तो बहुत ही बढ़िया हमें खेलते हुए दिखते थे इस वाली टीम की तरफ से और आज भी इस वाली टीम से जुड़े हुए। तो यहाँ पर हम देखें तो काफी हमें बढ़िया टीम देखने को मिल रही है। उसी के अलावा हमारे जाहिर खान, जयसूर्य मलिंगा, हैदन मिचेल, रिकी पॉइंटिंग जैसे भी हमारे खिलाड़ी इस वाले टीम के यहाँ पर हमें खेलते हुए दिखे, तो यहाँ पर हम देखें तो काफी तगड़े तगड़े खिलाड़ी हमें देखने को मिले इस वाली टीम की तरफ से। वहीं बात करें सामने वाली टीम लखनऊ के पास के बारे में, तो यार ये वाली टीम भी यार काफी धाकड़ रही है हमारे इस वाले सीजन के अंदर। यहाँ पर हम देखें इस वाली टीम को सिर्फ 2 ही साल हुए, दोनों के दोनों सालों के अंदर ये वाली टीम प्ले ऑफ तक क्वालिफाई करी थी। फाइनल तक तो नहीं पहुंच पाई थी लेकिन यार प्ले ऑफ तक गई थी। तो यहाँ पर देखें एक नई टीम का प्ले ऑफ तक पहुंच पाना दोनों सालों के अंदर काफी अच्छी फीट बन जाती है। तो यहाँ पर हम देखें तो ये वाली टीम भी काफी धाकड़ रहती है। उसी साथ में KL राहुल की कप्तानी के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिलती है इस वाली टीम की तरफ से। वहीं पर बात करें हेड टू हेड के बारे में, तो देखो अभी यार ये लखनऊ की टीम है 2 साल पुरानी, ज्यादा इसको टाइम हुआ नहीं, तो दोनों की टीम के बीच में भी ज्यादा मैचेस हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन अगर हम हेड टू हेड को देखें तो टोटल 4 मैच हुए दोनों टीम के बीच में, जहां पर 1 बार तो अपनी मुंबई इंडियंस जीती है और 3 बार अपनी लखनऊ की टीम जीती है। तो यहां पर हम देखें तो हेड टू हेड के अंदर लखनऊ की टीम थोड़ी सी अच्छी देखने को मिली है। तो यहां पर हम देखें तो लखनऊ की टीम हमें हेड टू हेड के अंदर अच्छी देखने को मिली है। तो यहां पर हम देखें तो मात्र 2 साल पुरानी टीम हमारी 16 साल पुरानी टीम को टक्कर दे रही है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कितनी बेहतरीन टीम है हमारी लखनऊ की। वहीं पर बात करें दोनों टीम के स्क्वाड के डिटेल बारे में, तो एक काम करते हैं दोनों टीम के स्क्वाड के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। पहले बात करते हैं मुंबई इंडियंस के स्क्वाड के बारे में, तो यहाँ पर हम देखें तो इस वाली टीम ने इस वाले सीजन के अंदर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर फैसला लिया है जो कि यार फैंस को बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। रोहित की कप्तानी में ये वाली टीम 5 बार IPL जीती है और इस साल रोहित शर्मा को इसी कप्तानी से हटा के यहाँ पर अपने हार्दिक पांडे को लिया गया, जिससे यार फैंस यार काफी ज्यादा नाराज थे। बहुत सारे फैंस यहाँ पर इसके अपोजिंग भी कि यहाँ भाई अपने रोहित शर्मा को क्यों हटाया जा रहा है कप्तानी से। उसी के साथ में रोहित शर्मा की जो वाइफ थी उन्होंने भी यहाँ पर अपना जो ओपिनियन था उसे शेयर किया था और उनको भी यह पसंद नहीं आया था कि यहाँ भाई मुंबई इंडियंस की टीम में से अपना रोहित शर्मा को कप्तानी के रूप में हटा दिया है। खैर ये तो यार थोड़ी अपनी कॉन्ट्रोवर्शियल बात है। बात करें टीम के बारे में, तो यहाँ पर हम देखें तो यार मुंबई इंडियंस की टीम जो है काफी ज्यादा बेहतरीन हमें टीम देखने को मिली है। आधी से ज्यादा जो इंडियन खिलाड़ी जो होते हैं जो अपनी इंटरनेशनल की जो टीम खेलती है, आधी से ज्यादा खिलाड़ी तो हमें इस वाली टीम के अंदर ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पर ओपनिंग के अंदर हमें रोहित शर्मा, ईशान किशन देखने को मिलते हैं जो कि यार काफी बड़े खिलाड़ी हैं। फिर मिडिल ओवर के अंदर नंबर 1 बैटर हमें सूर्य कुमार यादव देखने को मिलते हैं जो कि यार काफी बढ़िया बैटर के रूप में यार साबित हुए हैं और काफी बढ़िया हमें खेलते हुए दिख रहे हैं। उसी के साथ में यहाँ पर हमें यंग तिलक वर्मा और उसी के साथ में बेहतरीन बॉलर जसप्रीत बुमराह भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो आधी भारतीय की टीम तो यहाँ पर हमें इस वाली टीम के अंदर देखने को मिल रही है और इतने बढ़िया बढ़िया इंडियन प्लेयर के साथ में, ऐसे नहीं कि फॉरन प्लेयर्स भी हल्के हैं, फॉरन प्लेयर्स भी बहुत ही तगड़े तगड़े हमें देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पर हमें टिम डेविड और डेविड ब्रेविच जैसे बेहतरीन प्लेयर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो फॉरन प्लेयर्स हो गए, इंडियन प्लेयर्स हो गए, सारे के सारे टॉप के टॉप पर भरे पड़े हैं। और ऐसे ही थोड़ी यहाँ पर 5 बार IPL जीती हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं, इसलिए यहाँ पर 5 बार IPL जीती हैं। वहीं बात करें इस वाली टीम के बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में जो कि हमारे हिसाब से हो सकती है, तो कुछ इस प्रकार हमें देखने को मिलेगी। यहाँ पर हमें रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, टिम डेविड, हार्दिक पांड्या, डेवाल्ड ब्रेविस, गेराल्ड कॉर्डजी, जे बुमराह, उसी के साथ में हमारे पीयूष चावला और हमारे जेसन बेंद्रम। तो यहाँ पर हम देखें तो काफी बेहतरीन टीम देखने को मिली और ये थी बेस्ट प्लेइंग 11, स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 इस वाली टीम के लिए। वहीं पर हम बात करें अपनी लखनऊ की टीम के बारे में, तो लखनऊ की टीम भी हमें हल्की देखने को नहीं, लखनऊ की टीम भी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिली है। यहाँ पर हम देखें तो एक्सपीरियंस के रूप में हमें KL राहुल एक कप्तान के रूप में देखने को मिले हैं जो कि काफी अच्छी कप्तानी करते हुए देख सकते हैं इस वाली टीम के लिए। वहीं बात करें इंटरनेशनल खिलाड़ी बारे में, तो यहाँ पर हमें क्विंटन डे कॉक देखने को मिल सकता है विकेट कीपिंग के रूप में, उसी के साथ में वेस्ट इंडीज के निकोलस पूर्ण भी है यहाँ पर बैटिंग के
बारे में बात करते हैं, हमारे आयुष बतौनी और उसी के साथ में देवदत्त पादिकेल और ऑस्ट्रेलिया के एशन टर्नर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो बैटिंग टीम काफी स्ट्रॉन्ग देखने को मिली है। वहीं बात करें ऑलराउंडर्स के बारे में तो ऑलराउंडर्स भी काफी अच्छे और काफी अच्छे अच्छे इंटरनेशनल प्लेयर में देखने को मिल रहे हैं। जहां पर ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टॉइनिस है, उसी के साथ वेस्ट इंडीज के काइल मेयर्स हैं, जो कि ये दोनों एक बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं और इस वाली टीम के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर हम देखें तो टीम यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिली है, काफी स्ट्रॉन्ग में खिलाड़ी देखने मिले, तभी तो यार ये वाली टीम दोनों के दोनों सालों के अंदर प्ले ऑफ तो गई थी। उसी के साथ में यहाँ पर मुंबई इंडियंस जैसी टीम को इतना अच्छा यहाँ टक्कर दे रही है, तो यहाँ पर हल्की टीम तो बिल्कुल भी नहीं है, खिलाड़ी काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। वही बात करें अगले खिलाड़ी बारे में तो यहाँ पर हम देखें तो हमें इंडिया के खिलाड़ी यहाँ पर दीपक हुड्डा देखने को मिल रहे हैं। उसी के साथ में बॉलिंग के बारे में बात करें तो बॉलिंग के अंदर भी अच्छे खिलाड़ी हैं, अमित मिश्रा, रवि बिश्नोई, कृणाल पांडे जैसे बेहतरीन स्पिनर हमें देखने को मिल रहे हैं टीम के अंदर। तो टीम काफी अच्छी देखने को मिल रही है। पेस अटैक के बारे में बात करें तो पेस अटैक के अंदर हमारे टीम के पास इंग्लैंड के डेविड वाइली है, अफगानिस्तान के नवीन उल हक, काफी बेहतरीन बॉलर है, काफी नाम है इनका ये अपने क्रिकेट के अंदर। वही बात करें इंडियन बॉलर के बारे में तो इंडियन बॉलर के अंदर भी अच्छे खासे खिलाड़ी मोहसिन खान और शिवम मावी में देखने को मिल रही है इंडियन बॉलर के रूप में। तो यहाँ पर हम देखें तो काफी अच्छी हमें टीम देखने को मिल रही है। वही बात करें टीम के बेस्ट प्लेइंग 11 के बारे में, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट होगी हमारी नजर में, आपके हिसाब से कोई और यार डिफेंड करते हैं, आपके हिसाब से कोई बेस्ट प्लेइंग 11 तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब एक काम करते हैं, डालते हैं प्लेइंग 11 पर। तो प्लेइंग 11 हमारे कुछ इस प्रकार होगी, जहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे हमारे क्विंटन देखो, केएल राहुल, देवदत्त पादिकेल, निकोलस पूरन, कृणाल पांडे, मार्कस स्टॉइनिस, आयुष बतौनी, शिवम मावी, डेविड वाइली, हमारे रविन बिश्नोई और हमारे अमित मिश्रा। यहाँ पर हम देखें तो काफी अच्छी प्लेइंग 11 है देखने को मिल रही है। अगर आपके हिसाब से इस प्लेइंग 11 में कुछ इंप्रूवमेंट हो सकते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अब बात करते हैं दोनों टीम के नए खिलाड़ी बनाने की, दोनों टीम ने कौन कौन से नए नए खिलाड़ी यहाँ पर खरीदे हैं और कौन कौन से नए खिलाड़ी यहाँ पर टीमों के अंदर आए, कौन से पुराने खिलाड़ी यहाँ से गए हैं, तो उनके ऊपर हमें डाल लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं अपने मुंबई इंडियन के बारे में कि मुंबई इंडियन ने कौन से नए खिलाड़ी खरीदे हैं, कौन से खिलाड़ी ट्रेड किए हैं और कौन से खिलाड़ी को यहाँ पर हटाया गया है, आइए उस पर डालते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो यार मुंबई इंडियन ने इस वाले सीजन के अंदर काफी अच्छे अच्छे खिलाड़ी लिए हैं, काफी नए खिलाड़ी भी लिए, काफी ट्रेड भी किए हैं। सबसे बड़ा ट्रेड तो यहाँ पर इन्होंने यही किया कि अपना यार अपने जो अपने कप्तान थे रोहित शर्मा, इनको हटा दिया है और अपने हार्दिक पांडे को यहाँ पर ले आया गया है। तो यहाँ पर हम देखें तो हार्दिक पांडे को इनकी कप्तानी देना कैसा होगा वो तैयार देखना पड़ेगा इस वाले सीजन के अंदर, देखने को मिल जाएगा, अच्छा होगा बेकार होगा सब पता लग जाएगा इस वाले सीजन के अंदर। वहीं बात करें कौन कौन से नए नए खिलाड़ी खरीदे गए, तो ऑक्शन के अंदर फिलहाल तुम्हारे गेराल्ड कॉट्सी खरीदे गए हैं 5 करोड़ रुपए के, श्रीलंका के दिलशन मधुशंका बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है, 4.5 करोड़ रुपए में इनको खरीदा गया है, 4.60 करोड़ टू बी एग्जैक्ट। उसके बाद में लुवंत चारा को 4.80 करोड़ में, इंडियन प्लेयर श्रेयस गोपाल को लिया गया 20 लाख में, नमनधीर सिंह को 20 लाख में लिया गया, अंशुल कंबोज को 20 लाख रुपए में लिया गया, शिवालिक शर्मा को 20 लाख रुपए में लिया गया और अफगानिस्तान के बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है यहाँ पर मोहम्मद नबी भी आए हमारे 1.5 करोड़ रुपए में। तो यहाँ पर हम देखें तो काफी नए नए खिलाड़ी में ले गए हैं, काफी सारे खिलाड़ी में देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर सबसे बड़े में खिलाड़ी लग रहे हैं दिलशन मधुशंका, काफी बेहतरीन खिलाड़ी है, 4.5 करोड़ रुपए में। उसके अंदर नुवंत सुशारा, दोनों की जोड़ी जो होती काफी अच्छी रहती है, काफी अच्छी इंटरनेशनल जब खेलते हैं दोनों की जोड़ी जो बनती है तो काफी बड़े बनती है, तो यहाँ पर इन दोनों को लेना काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। वहीं बात करें लखनऊ के बारे में, लखनऊ ने कौन कौन से नए नए खिलाड़ी लिए, तो यहाँ पर इंग्लैंड के डेविड वाइली लिए 2 करोड़ रुपए में, ऑस्ट्रेलिया के एशन टर्नर लिए 1 करोड़ रुपए के अंदर। उसके बाद में इंडियन प्लेयर के बारे में बात करें तो शिवम मावी के पास अच्छा खासा पैसा खर्च किया 6.40 करोड़ रुपए, उसके बाद एम सिद्धार्थ को 2.5 करोड़ रुपए में लिया गया, अश्विन कुलकर्णी को 20 लाख रुपए, मोहम्मद अरशद खान को 20 लाख रुपए। उसी के साथ यहाँ पर ट्रेड भी किया गया, अपने जो मार्क वुड थे उनकी जगह वेस्ट इंडीज के न्यू पेसर जोसफ को यहाँ पर ऐड कर लिया गया। तो यहाँ पर हम देखें तो ट्रेड तो यहाँ पर ज्यादा नहीं हुए, लेकिन नए खिलाड़ी भी यहाँ पर बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिले। लखनऊ की टीम ने कोई बहुत ज्यादा खिलाड़ी भी नहीं खरीदे हैं, तो इक्का दुक्का खिलाड़ी यहाँ पर उन्होंने लिए हैं। तो यहाँ पर देखें तो लखनऊ की टीम लगभग पहले ऐसी है, तो यहाँ पर हम देखें तो पिछले साल जैसा परफॉर्मेंस इस वाली टीम ने किया था लगभग वैसे में परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है इस वाली टीम की तरफ से। तो गाइस ये तो दोनों टीम के बारे में डिटेल बारे में कि दोनों टीम ने कौन कौन से नए नए खिलाड़ी खरीदे हैं, दोनों टीम के स्क्वाड के बारे में। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि मेरा क्या ओपिनियन है दोनों टीम को लेकर। गाइस बात करें मुंबई के बारे में तो मुंबई की टीम काफी अच्छी में देखने को मिली है, काफी सारे खिलाड़ी खरीदे गए, काफी स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी यहाँ पर खरीदे गए इस वाले सीजन के अंदर। यार यहाँ पर थोड़ा सा रोहित शर्मा को या थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने ट्रेड किया है, उससे में थोड़ी सी कमी देखने को मिल सकती है इस वाले टीम के अंदर, जो कि कप्तानी से हट चुके हैं। बट यहाँ पर हम देखें तो बाकी खिलाड़ी काफी हमें अच्छे देखने को मिले, और हाथ ने हार्दिक भाई भी ऐसे बुरे नहीं कप्तानी के रूप में किया, बहुत ही बेकार है वो भी, अच्छे खासे में खिलाड़ी में देखने को मिले, एक अच्छी खासी कप्तानी में करते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो मुंबई की टीम काफी स्ट्रॉन्ग देखने मिली है, और टॉप 2 या फिर फाइनलिस्ट यहाँ पर हमें बनते हुए देख सकते हैं मुंबई इंडियंस इस वाले सीजन के अंदर। वहीं बात करें सामने वाली टीम लखनऊ के बारे में, तो लखनऊ की टीम है जैसे पिछले साल थी लगभग वैसी है, इन्होंने तो इन्होंने कोई बहुत ज्यादा खिलाड़ी ट्रेड किए हैं ना, कोई बहुत ज्यादा नए खिलाड़ी यहाँ पर खरीदे गए। तो यहाँ पर देखें तो लगभग जैसे पहले सीजन के अंदर थी, अब भी वैसी की वैसी हमें देखने को मिली, छोटे मोटे चेंजेस हैं। तो यहाँ पर देखें जैसा पहले उन्होंने परफॉर्म किया था लगभग वैसी परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल सकते हैं इस वाली टीम की तरफ से। तो इस सीजन में यहाँ पर मेरे को लगता है नहीं कि फाइनल तक पहुंच पाएंगे, लेकिन हाँ प्ले ऑफ वगैरह तक तो ये पहुंच ही सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो काफी अच्छी टीम यहाँ पर हमें देखने को मिली लखनऊ की टीम की, बट यार फाइनल तक जाने के यार काबिल हमें देखने को नहीं मिल रही है। फाइनल तक तो यार मेरे को लगता नहीं गलती से जाएंगे, लेकिन आप प्ले ऑफ तक चले आ सकते हैं, वहाँ पर डिसेंट परफॉर्म करके आ सकते हैं, अगर फाइनल तक जाते तो काफी रोमांचक होगा इस वाली टीम के लिए। तो गाइस ये तो था मेरा ओपिनियन दोनों टीम को लेकर, और ये था दोनों
टीम का कंपैरिजन। आपकी कौन सी फेवरेट टीम है कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। आपके हिसाब से दोनों टीम के लिए बेस्ट प्लेइंग 11 क्या होगी वो भी कमेंट में जरूर बता देना, और अपना ओपिनियन जरूर बताना दोनों टीम को लेकर। आशा करता हूं वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी को लाइक मार देना, अगर चैनल पहली बार सब्सक्राइब मार देना, मैं आपके लिए बड़े बड़े वीडियो लाता रहता हूं। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।